नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा जो 3 मार्च को होने जा रही है, उसमें कुछ परीक्षा केंद्रों में संशोधित किया हुआ है, तो दोस्तों वो देख लें, आपको कहीं समस्या नहीं हो आपके लिए। तो दोस्तों, ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये आदेश है, जिसमें उक्त परीक्षा के लिए कोटा में पूर्व में निर्धारित किए गए किसी परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब कोटा में जो भी परीक्षा केंद्र है वो सेम के सेम रहेंगे और जयपुर स्थित पूर्व में निर्धारित निम्न परीक्षा केंद्रों में नियमानुसार परिवर्तन किया गया है। देखो, जयपुर में ये 3 एग्जाम सेंटर हैं जिनमें परिवर्तन किया गया है। दोस्तों देख लीजिए एक बार, ये आपके रोल नंबर 239,050 से लेकर के 239,456 तक के थे, जो पहले 10 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा में इसका सेंटर था श्री करणी कॉलेज, करणी पैलेस, वैशाली नगर, जयपुर में, जो परिवर्तित होकर के जो 3 मार्च को परीक्षा होने वाली है उसमें सेंटर रहेगा दोस्तों आपका टैगोर पब्लिक स्कूल विंग फर्स्ट आम्रपाली सर्किल जेडीए नर्सरी के पास वैशाली नगर जयपुर। और इसी तरीके से दोस्तों 276,520 से लेकर 277,023 तक के जो एग्जाम सेंटर थे, पहले इनका था आकाशदीप पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर, जो अब 3 मार्च को एग्जाम होगा इस सेंटर में, टैगोर पब्लिक स्कूल विंग सेकंड आम्रपाली सर्किल जेडीए नर्सरी के पास वैशाली नगर जयपुर। और दोस्तों 279,544 से लेकर 279,999 तक जिनके रोल नंबर हैं, उनका पहले एग्जाम सेंटर था पोदार इंटरनेशनल कॉलेज सिप्रापत मानसरोवर जयपुर, जो परिवर्तित होकर के 3 मार्च 2019 को इनका एग्जाम सेंटर रहेगा टैगोर पब्लिक स्कूल विंग थर्ड आम्रपाली सर्किल जेडीए नर्सरी के पास वैशाली नगर जयपुर। तो दोस्तों, इन एग्जाम सेंटर में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो ढंग से आप देख के फिर ही जाए। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।